आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर, और अब एक सवाल देश नहीं झुकने देंगे कि करोड़ों दर्शकों से, भाई आपके लिए जननेता कौन है? जननेता वो जो गिरते हुए लोगों को सहारा दे, टूटे हुए लोगों का मनोबल बढ़ाए, हारे का सहारा बने, या फिर वो जो मनोबल बढ़ाने वालों का ट्रोल के स्तर पर आकर मजाक उड़ाए, कौन है आपके लिए जननेता? वो जो खेल को हार जीत से नहीं, खेल भावना से खेलने की प्रेरणा देते हैं, या वो जो हार जीत में भी राजनीतिक दुर्भावना का खेल खेलते हैं? आप लोगों से सवाल है। अच्छा, आज हम ये सवाल पूछने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आज कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का मजाक उड़ा रही है जिसमें प्रधानमंत्री क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे, हार से निराश खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे थे, उनको ढांढस बंधा रहे थे, एक परिवार के बड़े की तरह उनके साथ खड़े थे, वहां पर मौजूद थे, और मोदी का पहला वाक्य यही था कि आप लोग 10 गेम जीतकर फाइनल में पहुंचे थे और खेल में हार जीत होती रही। अब क्या देखिए, प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए मोहम्मद शमी को, ये सारी तस्वीरें देखिए, मोहम्मद शमी को गले लगाया, वो सारी तस्वीरें, विराट कोहली, रोहित शर्मा का हाथ पकड़ के हिम्मत बढ़ाई, सभी खिलाड़ियों से कहा कि खेल में ऐसा होता रहता है, परिवार के बड़े की तरह, ये प्रधानमंत्री का स्वभाव है, वो सिर्फ जीतने वालों के साथ नहीं, हारने वालों के साथ भी खड़े होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भाई सफलता को सीने से लगाने वालों की तो लाइन लगी होती है, हारे का सहारा बने वही असली नेता होता है। मोदी सफलता का सिर्फ श्रेय नहीं लेते, वो लेते नहीं लेते हैं, आप लोग तय करें, लेकिन असफलता को सहारा जरूर देते हैं, ये हम भरोसे के साथ कह सकते हैं। कांग्रेस को शायद प्रधानमंत्री के स्वभाव से भी प्रॉब्लम है। मोदी ड्रेसिंग रूम जाकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस उसका भी मजाक उड़ा रही है, कांग्रेस को इसमें मार्केटिंग नजर आ रही है। कांग्रेस इसलिए परेशान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप फाइनल का मैच देखना और फिर खिलाड़ियों से मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम क्यों चले गए, प्रधानमंत्री मैच देखने क्यों चले गए, अहमदाबाद क्यों चले गए? आप चले जाते, राहुल जी आप चले जाते, प्रियंका जी आप चले जाते, आप लोग क्यों नहीं गए? कोई क्रिकेट टीम वहां पर जैसे सेना कोई पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रही है, वैसे खिलाड़ी भी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका प्रतिनिधित्व, आप लोग चले जाते। मतलब अगर मोदी अहमदाबाद में क्यों थे, मोदी ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों का दर्द बांटने क्यों गए? मैंने कहा ना, यही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जाए कि मोदी की मौजूदगी की वजह से मैच हार गए बकौल कांग्रेस पार्टी, तो आप लोग चले जाते? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस के बड़े नेता खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए अहमदाबाद क्यों नहीं गए? भाई सवाल है ना, रैली चल रही थी, आप लोग चले जाते, राहुल गांधी चले जाते, अगर उनके हिसाब से मोदी के जाने से टीम हार जाती है तो चले जाते ना अहमदाबाद, उनको जाने से किसने रोका था, क्यों नहीं गए? सवाल तब ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा 2004 में भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए कराची तक जा सकते हैं, कहानी बताऊंगा मैं आपको, उन्हें अहमदाबाद जाने से किसने रोका था? भाई मोदी के जाने से हार जाते हैं ना तो आप लोग चले जाते। नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद जाने पर राहुल गांधी के कराची जाने की घटना का जिक्र आज क्यों जरूरी है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ड्रेसिंग रूम जाकर प्रधानमंत्री ने कैसे खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाई और कैसे, ये पहली बार नहीं है, 2017 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पीएम ने महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, इसके बाद मोदी ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को भी सांत्वना दी, हर बार 17, 21, 23 देखिए आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है, मैंने सोचा मिल लूँ सबको, होता है। कहाँ राहुल कहते हैं, अरे आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू, आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है, देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है, और कितने दशकों के बाद
हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। लेकिन पहली बार हुआ कि जब हमारी बेटियां विश्व कप में सफल नहीं हो पाई तो 125 करोड़ देशवासियों ने उस पराजय को अपने कंधे पर ले लिया, जरा सा भी बोझ उन बेटियों पर नहीं पड़ने दिया। देखिए प्रधानमंत्री का स्वभाव, देश के खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मास्टर बन जाते हैं, सरहद पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए दीपावली सरहद पर बनाते हैं, युवाओं का मनोबल ये कहकर बढ़ाते हैं कि दुनिया ये बात मान रही है कि भारत के युवाओं की वजह से सदी भारत की है। मोदी ने देश को जीत की बधाई भी देते हैं, लेकिन मोदी के स्वभाव के खिलाफ कांग्रेस का स्वभाव क्या है, इसकी एक झलक आपको कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के इस ट्वीट से मिल सकती है कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना जयराम रमेश को मास्टर ऑफ ड्रामा लगता है। जयराम रमेश को लगता है कि ये वीडियो कोरियोग्राफ किया गया, आप लोग चले जाते ना। इसके लिए जयराम रमेश ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि खिलाड़ियों को भी एक तरीके से कहा कि ये सब नाटक चल रहा था, ड्रामा चल रहा था, ये सारी चीजें सारे ट्वीट्स आपकी स्क्रीन पर है। यही नहीं, कीर्ति आजाद टीएमसी के नेता प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम तक कैसे पहुंच गए, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों और टीम के स्टाफ के अलावा कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, ये सब कुछ। देखिए हम कह रहे हैं ना, अगर कांग्रेस को लगता है कि मोदी की मौजूदगी की वजह से टीम इंडिया मैच हार गई तो राहुल प्रियंका को अहमदाबाद जाने से किसने रोका था। मैंने शुरुआत में कहा ना, मार्च 2004 में भारत पाकिस्तान मैच देखने के लिए राहुल प्रियंका तो कराची तक चले गए थे, साथ में रॉबर्ट वाड्रा जी भी थे, तस्वीरें भी हैं, जब दोनों टीमों के साथ फोटो सेशन भी हुआ था पाकिस्तानी टीम के साथ भी। तब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा पाकिस्तान के खास मेहमान बनकर कराची गए थे, क्योंकि कराची में भारत पाकिस्तान का वनडे मैच था, कराची जा सकते थे, अहमदाबाद नहीं, चले जाते हैं अहमदाबाद। इस घटना का जिक्र कोई मैंने अलग से नहीं ढूंढा, ये पता कहाँ मिला, इस घटना का जिक्र हमको मिला ये है कि कांग्रेस के नेता और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने खुद अपनी किताब स्कार्स ऑफ 1947 में किया। उन्होंने लिखा कि भाई मैच से पहले प्रियंका गांधी ने मुझे फोन किया, बकौल राजीव शुक्ला, कि मुझे फोन किया कि वो कराची में भारत पाकिस्तान का मैच देखना चाहती है। इस बात की जानकारी राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी। इसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जफरुल्ला जमाली ने खास तौर से पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान गांधी परिवार को लाने के लिए मुंबई भेजा। वैसे तब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, 2004 की बात कर रहा हूं, तब भी क्योंकि वो गांधी परिवार से थे तो होता है सब। अब देखिए विमान जब कराची उतरा तो राहुल गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा का स्वागत करने के लिए पीसीबी अध्यक्ष आए, गांधी परिवार के लिए पाकिस्तानी वीवीआईपी व्यवस्था की, ये सब कुछ किताब में है, स्कार्स ऑफ 1947 राजीव शुक्ला। गांधी परिवार ने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ फोटो भी खिंचवाई, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भी फोटो खिंचवाई, ऐसा शायद दोनों टीमों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया, अच्छी बात है। एक गजब इत्तेफाक था ये भी था कि 13 मार्च 2004 को राहुल प्रियंका कराची गए और 21 मार्च 2004 को ऑफिशियली एक तरीके से अंबिका सोनी ने ऐलान किया कि वे राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में एंट्री ले रहे हैं और वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हमने घटना आपको बताई कि जब कराची जा सकते थे तो फिर अहमदाबाद जाने से किसने रोका था, मोदी के जाने से तो हार गई ना, आप लोग कहते हैं।